हेलो एवरीवन कैसे हो आप लोग तो आज मैं बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी बहुत ही कम सामानों में अगर आप सभी दोस्तों को मेरा ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा तो चलिए आज हम पनीर का सब्जी बनाते हैं तो हम यहाँ पर आलू को धो करके छील करके इस तरह से काट लिए हैं काट कर हम इसको लोहिया में डालकर पहले इसका फ्राई करेंगे तो हम हम इसको यहाँ पर ढक देते हैं एक मिनट के लिए अब हम इसका ढक्कन हटाएंगे और इसको भूनेंगे तो हमने इसको पाँच मिनट भूने हैं अब हम इसको निकाल लेते हैं तो फिर से कढ़ाई में तेल डालेंगे और अब पनीर को छोटा छोटा पीस में काट लेंगे और उसको एक मिनट भून लेंगे तो हमने पनीर भी भून लिए हैं अब हम इसको निकाल लेते हैं तो तेल बच गया है अब हम उसमें एक चम्मच जीरा डालेंगे और एक बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे प्याज जीरा को थोड़ा सा पकाने के बाद हम इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे दो मिनट भूनने के बाद हम इसमें एक स्वाद अनुसार नमक डालेंगे एक चम्मच हल्दी पाउडर दो चम्मच लाल मिर्च पाउडर दो चम्मच धनिया पाउडर थोड़ा सा पानी डालकर हम मसाला को तीन मिनट तक भूनेंगे अब हम इसमें भुना हुआ आलू डालकर मसाला के साथ दो मिनट भुनेंगे अब हम इसमें ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल देंगे और उसको उबालेंगे जब उबलने लगे तो हम इसमें पनीर डाल देंगे पनीर डालकर हम इसको मिक्स कर देंगे हम इसको चार से पाँच मिनट तक पकाएंगे तो देखिए आलू भी सीज़ चुका है अब हम सब्जी को किसी बर्तन में निकाल लेते हैं तो दोस्तों आज का पनीर का सब्ज़ी कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना